everyone, this is Jagriti and welcome back to my channel Creons and Spices Tikkurel. जो आज का वीडियो है वो एक्चुअली मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट DIY रहा है. That's because मैं पहली बार लिपन आर्ट ट्राई करने जा रही हूँ. सेकेंडली मैंने एक अपना पुराना मेडिसिन का बॉटल को रियूज करके ये DIY किया है. थर्डली मैंने अपने फ्रिज के लिए इस DIY में एक मैग्नेट बना है और वो भी एक प्लांटर मैग्नेट. मतलब इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, लिपन आर्ट ऑन मेडिसिन बॉटल एंड मेक इट अ मैग्नेट और मैग्नेट प्लांटर. सोचो ना, आपका फ्रिज का दरवाजा खुलेगा और फ्रिज के दरवाजे में एक लाइव प्लांट होगा, कितना अच्छा लगेगा. एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आप लोग ये वीडियो कब देखोगे, कब बनाओगे और मेरे साथ कब शेयर करोगे. ज़्यादा देरी नहीं करके, इस DIY में मैंने एक पुराना मेडिसिन का बॉटल यूज किया है. आप कोई भी पुराना प्लास्टिक का बॉटल यूज कर सकते हो या फिर ग्लास बीकर्स भी यूज कर सकते हो. तो सबसे पहले मैं अपने मेडिसिन बॉटल को एक बेस कोट दूंगी. बेस कोट देने के लिए मैं यहाँ पे 2 parts POP यूज कर रही हूँ एंड 2 parts फेविकॉल. उसको अच्छे से मिक्स करके एक बेस कोट बनाना है. थोड़ा सा पेस्ट टाइप का आपको टेक्सचर चाहिए, जैसे हम लोग का टूथपेस्ट होता है ना, वैसे ही एक पेस्ट. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं यहाँ पे लिपन काम करने जा रहे हूँ. सिर्फ लिपन काम ही नहीं, कोई भी अगर क्ले आर्ट आप कर रहे हो या फिर कोई भी आर्ट आप कर रहे हो, अगर आप एक बेस को देते हो तो उसका जो आउटपुट होता है वो काफी अच्छा होता है. मैंने पूरे मेडिसिन बॉटल को अच्छे से एक बेस कोट कर दिया. करने के बाद मुझे 5 minutes वेट करना पड़ेगा. अभी जो हमारा बेस कोट बचेगा उसमें बस थोड़ा सा, मतलब 1 drop पानी वहां पे मिला के थोड़ा सा उसको बेस कोट को पतला करना पड़ेगा. ये थिन जो पेस्ट है वो मैं अभी जो हमारा बेस कोट लगा था उसके ऊपर लगाऊंगी. उससे क्या होगा, हम लोग को एक स्मूथ एज मिलेगा वर्क करने के लिए. एक बार पूरा पेस्ट लग जाए उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक हम लोग का पूरा कोट सूखे नहीं. मुझे ऑलमोस्ट 2 hours लगा था सूखने के लिए, बट ये डिपेंड करता है डिफरेंट क्लाइमेट के ऊपर. तो अभी जब हम लोग का बेस रेडी हो गया है तो अभी हम लोग अपना लिपन काम स्टार्ट कर सकते हैं. कोई भी क्ले आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी एयर ड्राई क्ले आप यूज़ कर सकते हो, फेविकुल मोल्ड आप यूज़ कर सकते हो. मैं यहाँ पे खुद से क्ले बना रही हूँ POP एंड फेविकॉल यूज़ करके. अगर आप ये क्ले बनाते हो तो आपको 2 भाग POP का लेना पड़ेगा और 1 भाग फेविकॉल का लेना पड़ेगा. मतलब आपने अगर 2 spoon POP का लिया है तो 1 spoon फेविकॉल का लीजिए और उसको अच्छे से, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं वैसे ही अच्छे से नीड कर लीजिए. यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आपका जो क्ले है वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा POP मिक्स कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर आपका क्ले एकदम ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स कर सकते हैं, बट आपको पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है यहाँ पे. जब आपका क्ले बन जाए तो आधा सूखा टॉवल में आप उस क्ले को रख दीजिएगा, इससे आपका POP बहुत जल्दी ड्राई नहीं होगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना मैग्नेट अटैच करूँगी अपने बॉटल के साथ. उसके लिए मैं थोड़ा सा क्ले यहाँ पे ले रही हूँ और क्ले के अंदर मैं मैग्नेट खोलूँगी ताकि मेरा मैग्नेट बिल्कुल भी अच्छे से स्टिक हो जाए. मैग्नेट को अटैच करने के बाद ऑलमोस्ट 1 hour आप छोड़ दीजिए ताकि वो अच्छे से अटैच हो जाए और वो अच्छे से ड्राई हो जाए. अभी जब हम लोग का बेस रेडी हो गया, मैग्नेट अटैच हो गया, अभी हम अपना लिपन आर्ट करेंगे. क्ले को अटैच करने के लिए आप कोई भी व्हाइट ग्लू ले सकते हैं, जैसे कि PVA ग्लू, वुड ग्लू, फेविकॉल या फिर फेविक्रिल का जो फेविक ग्लू आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं.
रिबन आर्ट के लिए मैंने अलग अलग शेप्स यूज़ किया है, थिन लाइंस या फिर पेटल शेप्स या फिर छोटे छोटे डॉट्स, बस इतना ही यहाँ पे यूज़ किया है। आप अच्छे से फॉलो करते जाइए, ये बिल्कुल सिंपल रिबन आर्ट है। यहाँ पे मैं क्राफ्ट मिरर्स अटैच कर रही हूँ। ये क्राफ्ट मिरर्स मैंने अमेजोन से लिया है, बट आपको किसी भी लोकल क्राफ्ट शॉप में या फिर टेलरिंग का जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ पे भी मिल जाएगा। डिज़ाइन करने के बाद एंड कलर करने से पहले मैं यहाँ पे एक बेस कोट दूंगी वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ करके। बट कलर करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा ताकि कलर अच्छे से सूख जाए। इस DIY का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट अभी आप देख रहे हो, दैट इज कलरिंग। अभी रिसेंटली मुझे क्या हुआ है, जो रेनबो का थीम है ना, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसी के आसपास के ही कलर्स में यहाँ पे लगाऊँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया है, पहले एक कॉलम में एक पैटर्न कलर का चूज़ किया है। जैसे ये एक कॉलम ख़त्म होता है, बाकी सारे कॉलम्स में भी सेम पैटर्न मैं अप्लाई करूँगी। सभी कलर्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि क्या पता एक मैग्नेट से मुझे कोई ऐसा तो नहीं कि वो बॉटल गिर जाएगा, इसलिए जस्ट मैं अपने मन की कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैंने एक और मैग्नेट लगाया। और इस बार जो मैंने एडहेसिव लगाया वो है फेविबॉन, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडहेसिव है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं इस मैग्नेट को एज ए प्लांटर भी यूज़ करूँगी, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और सबसे फेवरेट प्लांट जो है उसको मैं अभी प्लांटर में डाल दूंगी। तो बस
मेरी फ्रिज मैग्नेट कलेक्शन में एक और मैग्नेट आ गया। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे DIYs आ रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू आइडिया विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। अल्टिल देन स्टे होम स्टे सेफ। बाय बाय।